हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरस्वती और सरस्वती के सरस की ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह के हो रहे हैं 7:30। पूजा वगैरह करके आ गई हूँ डायरेक्ट किचन में। तो मैं अब पहले क्या करूँगी जी, बाय कर रही हूँ आप लोगों से, हेलो कर रही हूँ। और पहले तो बना लूँगी चाय और उसके बाद थोड़ा सा बनाऊँगी पोहा, क्योंकि अब सब लोग उठ रहे हैं धीरे धीरे, आज जल्दी उठ रहे हैं बच्चे लोग भी, तो थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ। और पूजा वगैरह मैंने आज नहीं रिकॉर्ड किया था, क्योंकि अभी रोज़ ही क्या वही चीज़ दिखाऊँ। तो पूजा वगैरह करके आ गई हूँ और थोड़ा थोड़ा हो रहा है बारिश, आज मौसम भी अच्छा है। तो मैं कुछ और थोड़ा सा सोच रही हूँ, मौसम अच्छा है तो बच्चों के लिए कुछ मीठा बना दूँ। लेकिन पहले क्या करूँगी, नाश्ता करवा दूँगी और कपड़े वगैरह जो है, थोड़ा थोड़ा धूप का मतलब संभावना है, मौसम ठंडा है, लग रहा है कि हल्का हल्का सा धूप निकलेगा आज, तो कपड़े वगैरह सुखा दूँगी, क्योंकि 2 दिनों से कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो मैं सारी चीज़ों को सेट कर रही हूँ, इकट्ठा कर लूँगी जो मैंने चीज़ें, मुझे रेसिपी बनाना होता है जब ना, तो मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ें जो उनके ज़रूरत की होती हैं तो एक साथ पहले रख लेती हूँ, उसके बाद ही सब सेट करके डब्बे वगैरह, फिर हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मौसम ठंडा देख के मीठा बनाने का मन कर दिया, बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी बनाओ, तो आज तो मैं बनाने वाली हूँ। और यहाँ पर पोहा की पूरी प्लानिंग है, तो पोहा बना देती हूँ, सिंपल सा पोहा बना रही हूँ, क्योंकि आजकल यहाँ पे मटर मतलब नहीं मिलता है। मटर जैसे दिल्ली वगैरह में तो मिल जाता है आसानी से, बहुत सारे मटर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई नहीं मिलता है। जो मम्मी के घर जाती हूँ ना, तो वहाँ पर मटर तो हमेशा मिलता है, और कोई आता तो मम्मी देती भी है कि मटर ले जाओ, और यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे सिर्फ सीजन पे मिलता है, बिना सीजन का नहीं मिलता है। और ये सफल वाला मिलता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब पोहा मैंने छौंक दिया है, अब मैं दूध की मलाई, थोड़ा थोड़ा मलाई, मेरा गाय का दूध आता है मेरे यहाँ तो सामने धो के देता है, तो थोड़ी सी गाय के दूध में बहुत ही कम फैट होता है, मतलब मलाई होता है, तो मैं मलाई थोड़ा थोड़ा करके उतारती रहती हूँ। और दूध के लिए, चाय के लिए दूध निकाल लेती हूँ, गिलास से डालती हूँ, ऐसे मैं नहीं डालती, बिना अंदाज के ऐसे नहीं डाल देती हूँ, मतलब नाप के डालती हूँ कि कितना मुझे चाय बनाना है और कितना दूध, कितना पानी है मैं ऐड करना होता है। तो गाय के दूध ना पतला होता है तो ज़्यादा डालना पड़ता है, जब वही भैंस का दूध होता है तो गाढ़ा होता है। हमारे यहाँ ना गाय और भैंस हैं, तो लोग कितने लोगों के यहाँ जाके सामने से दुहा के लाते हैं, सामने से दूध निकलवा के हमारे यहाँ भी आता है, तो सही रहता है गाय का दूध भी, कोनो ख़राब नहीं रहता, चाय देख सकते हो मतलब अच्छा चाय दिख रहा है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सी मलाई निकलता है। तो हमने नाश्ता सबको करवा दिया है, पोहा और चाय, और जैसे किसको नमकीन लेना है, चूड़ा लेना है, इस तरह से सारी चीज़ें हो जाते हैं, अपना है बच्चों का सबका। तो नाश्ता करवा के अब कपड़े सुखा देती हूँ, भाई कपड़े सुखाना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा बादल देख रहे हो कि मतलब घेर रखा है, हल्का हल्का सा धूप खिल रहा है, तो मैं कपड़े पहले सुखा देती हूँ, उसके बाद चाहूँगी किचन में मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत अच्छा सा रेसिपी आज आप लोगों के लिए, मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ। तो उसको बनाने के लिए ना पहले लेंगे एक मिक्सर जार, तो बता देती हूँ मैं बनाने वाली हूँ आज बढ़िया सा स्वादिष्ट घेवर। तो इसे लिए हैं आधी कटोरी ये घी है, और इसे चम्मच से मानो तो ये चम्मच से 3 चम्मच हो रहा है, तो पहले इसे हम ऐड कर देते हैं। वैसे घेवर बनाना बहुत मेहनत का काम है, पर ऐसे बनाओ आसानी से बन जाता है। आधा कप इसमें पानी ऐड कर देते हैं और इसे हल्का सा पीसेंगे, ज़्यादा नहीं, जैसे एक जैसे हो जाता है बटर ना, उस तरह से हो जाए, मक्खन के फॉर्म में आ जाएगा। तो मैं बंद कर देती हूँ, भाई 2-3 बार ही चलाना रहता है, थोड़ा थोड़ा ही अब इसे चलाएंगे मिक्सर को, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बिल्कुल सॉफ्ट मक्खन निकल गया है, अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एक चीज़ और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर ऐड करना है। तो ये दूध है, आधा कप दूध इसमें ऐड करते हैं, इसे भी दूध डाल के थोड़ा सा ही चलाएंगे, 3-4 बार ही इस तरह से चला के बंद कर देंगे। तो ये घेवर बनाना बहुत आज वैसे तो मतलब जैसे मैंने कहा, हलवाई लोग जो बनाते हैं उसको बर्फ़ डालते हैं, उसको हाथ से मसलते हैं, उसको बिल्कुल ऐसा मसलते हैं ना कि वाइट हो जाता है बिल्कुल, पर मुझे भाई हम लोगों की आदत नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने सोचा चलो इस तरह से बना लेती हूँ, पहले भी मैंने एक बार बनाया था तो अच्छा बना था, तो सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल मैदा हमारा ये 200 ग्राम है और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है हमारा जो मक्खन और घी हमने किया है मिक्सर में। आधा मैदा अभी डालेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम बाद में डालते हैं, 200 ग्राम मैदा ये है, बस हल्का हल्का सा इसे चलाते हैं। अब जो मैदा हमारा बचा हुआ है ये भी इसमें ऐड कर देते हैं,
फ्रेंड्स ऐसे बना लोगे ना बहुत आसानी से बन जाता है। पहले मैं जब बनाई थी ना तो मुझे यकीन नहीं था कि मतलब जब हलवाई लोग इतने मेहनत से बनाते हैं तो हम इतना जल्दी कैसे बना सकते हैं, पर जब ट्राई करा था ना तो हो गया था, अच्छा बना था। मैंने सोचा आप फिर से बना के वापस से आप लोगों के साथ शेयर भी कर लेंगी और मेरे बच्चे भी खाएंगे। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल मैदा और घी सारा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल मक्खन की तरह, तो इस तरह से ही हो गया है। अब एक कप पहले पानी इसमें ऐड करते हैं और वापस से इसे फिर से पीसेंगे, दो तीन बार इस तरह से चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाना है, बस इस तरह बंद करेंगे चलाएंगे, बंद कर ऑन इसी करना होता है इसमें जब तक कि बटर बन रहा है। वापस से हमने एक कप और पानी ऐड कर दिया, बिल्कुल पतला इसका घोल होता है और ठंडा, तो ये फ्रिज का बिल्कुल चिल पानी हमने ऐड किया है इसमें। अगर चिल पानी नहीं है ना तो आप बर्फ़ ऐड कर दीजिए, हो जाएगा ठंडा, लेकिन ये ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो दो तीन बार वापस से मैंने चलाया, अब वापस से देखिए एक कप और पानी ले रहे हैं, तो ये पूरा मैं डालती हूँ या नहीं देखिए आधा कप हमने पानी मतलब ढाई कप पानी इसमें हमने ऐड कर दिया और एक कप आधा कप पहले डाला था, तो कुल मिला के इसमें तीन कप पानी हमने ऐड करा, आधा कप दूध। अब देखते हैं कि मतलब पानी की ज़रूरत है कि नहीं, तो थोड़ा सा और चला लेते हैं, ज़्यादा नहीं चलाएंगे वरना ये जो मक्खन है ना बिल्कुल निकल आएगा, दाना दाना सा हो जाएगा, हमें दाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देखिए बिल्कुल दाना नहीं है, एकदम बराबर ये बढ़िया सा बन के तैयार हुआ है। अब एक बर्तन में निकाल लेते हैं, तो देखिए तीन कप पानी में ये बढ़िया सा 200 ग्राम हमारा जो बेसन था मैदा था सॉरी ये हो चुका है, ठीक है। अब निकाल दिया हमने एक बाउल में, अब इस तरह का हमें घोल चाहिए था बिल्कुल पतला और ठंडा, तो खूब है ये बहुत ज़्यादा ठंडा है, बिल्कुल पानी हमने रात को ही फ्रिज में रख दिया था ताकि बिल्कुल ठंडा पानी हो जाए, तो बिल्कुल ठंडा पानी है और ये मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, जितना ये ठंडा रहता है ना, अगर आपको लगे कि ज़्यादा हमारा बैटर है और ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो इसमें दो तीन आइस टुकड़ा डाल दीजिए, हो जाएगा। ये बोतल है तो बोतल से आपको अगर कलछुल से आपको दिक्कत हो रही तो आप बोतल से भी कर सकते हो, तो इस बोतल में आप डालिए और ढक्कन में इस तरह से होल्ड कर दीजिए और इसे आसानी से हो जाएगा, तो मतलब हाथ हो जलने का बिल्कुल भी इसमें चांस नहीं रहता है। अगर आप जैसा आपको सुविधा लगे मैं दोनों दिखा देती हूँ कि दोनों से कैसे बनते हैं। तो हमने पहले से ही कढ़ाई मतलब रख दिया है, ये एक हमारे पास ये टिफिन था इसमें घेवर बना से साइज था तो इसलिए मैंने यही रखा है, और नीचे इसमें ना मैंने मिट्टी लगा रखा है, मैं बता देती हूँ ये बहुत हल्का था, मैंने इसमें मिट्टी गमले से निकाला और नीचे मैंने मिट्टी लगा दिया है मोटा सा लेयर, ताकि हमारा जब घेवर बनाए तो जले नहीं, खाली सेब की वजह से मैंने ये टिफिन रखा हुआ है। और आधा इसमें घी हमने ऐड करा है, तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और देखिए इस तरह से चम्मच से भी हम डालें, पहले भी हमने बनाया था ना तो इसे चम्मच से बनाया था, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन कई बार मेरे दिमाग में आया कि भाई हर कोई इस तरह से नहीं कर सकता, तो बोतल भी आप जब मतलब जो आपको अच्छा लगेगा उस तरह से आप कर लीजिएगा। जब झाग समाप्त हो जाए तब हम वापस डालते हैं, तो जैसे जैसे ये झाग बंद होता है उस तरह से हम जैसे इसमें एक झाग नहीं उठता है तो वो जब बंद हो जाए दोबारा हम डाल देते हैं, इसी तरह से हमारा घेवर। तो चाकू से इस तरह थोड़ा सा डिप कर देंगे ताकि जो ऊपर वाइट वाइट से दिख रहा है ना ये भी बिल्कुल कलरफुल हो जाए, तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ चुका है, ये गोल्डन का मैं बोलूँगी कि ब्राउन हो चुका है, अरे बहुत अच्छे से बन के तैयार हुआ। तो चलिए एक जाली रखते हैं प्लेट में और इसी के ऊपर रख देंगे ताकि जो घी निकले ना इस प्लेट में आ जाए। घेवर वगैरह ज़्यादातर ऐसे ही रखा जाता है, मैंने देखा सब लोग भी ऐसे ही रखते हैं, और वापस से इस तरह से ऐड करेंगे, जैसे झाग समाप्त होगा हम वापस से इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह से सेम प्रोसेस है, आपको जितना मोटा पतला लेयर का घेवर चाहिए उस तरह से आप बना सकते हो। तो ये देखिए हमारा दो घेवर बन के तैयार हो चुका है, तीसरे की बारी है, उससे पहले हम चाशनी के लिए तैयारी कर देते हैं, तो चाशनी बना लेते हैं फटाफट। और ये हाँ लिया मैंने भगोना, ये इसमें डालेंगे एक गिलास पानी, मतलब ये 200 ग्राम का गिलास है, और इसमें डाल देते हैं चीनी। तो जैसे एक गिलास हमने पानी ऐड किया ना तो दो गिलास इसमें चीनी डाल दिया है, मतलब पानी के डबल चीनी हमें डालना है। आप किसी भी चीज़ से नाप कर लीजिए। और घेवर भी हमारे बनके सभी तैयार हो चुके हैं और चाशनी भी साइड में हो रही है, और देखिए 200 ग्राम में चार घेवर हमारे बनके तैयार हुए, अच्छे फॉर्म में है, पतले भी नहीं बहुत ज़्यादा हैं। और साइड में देखिए हमने रख दिया था ना चाशनी, तो चाशनी भी लगभग हो चुका है, इसमें तीन चार इलायची डाल देंगे, बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इलायची वगैरह से, तो इससे खड़े इलायची थोड़ा सा फोड़ के ना और डाल दीजिए, और इसे चाशनी बिल्कुल बढ़िया से तैयार है ये देखिए।
तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा ये मतलब ये तार निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ठंडा होने पे घेवर लेंगे और घेवर के ऊपर एक एक थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम चाशनी ऐड करते हैं। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप थोड़ा कम डालिए, तभी ये हो जाता है, बहुत बढ़िया हो जाता है। और 2-3 घंटा इस तरह रख दीजिए ना, तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाता है, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको जैसा खाना है ना तुरंत खाना, तुरंत अगर आपको इसको 2-4 दिन बाद खाना है तो जब आपको खाना है उसे 2 घंटे पहले चाशनी डाल दीजिए, तो इसे पूरा दिन 1 हफ्ता 10 दिन तक आप खा सकते हो फ्रिज के बाहर रख के। तो जब आपको खाना हो तो चाशनी डाल दीजिए। मलाई भी लगाएंगे इस पर, तो प्लेट लेते हैं ये, और इस पर जो हम बना रखे हैं रबड़ी, तो रबड़ी भी इस पर मैंने घर पे ही रबड़ी बनाया है, मार्केट का नहीं है ये। घर का मुझे सारी चीज़ें पसंद है, बाहर का बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और जहाँ तक हो सकता है मैं बाहर की चीज़ें नहीं लाती हूँ। तो रबड़ी हमने बना दिया, और इस पर थोड़ा सा काजू बादाम से जिससे मन करे आपको सजा दीजिए, किशमिश लीजिए, जो फल जो मतलब ड्राई फ्रूट आपको पसंद है उस तरह सजा दीजिए। तो आप देख सकते हो हमारा प्यारा सा घेवर बन के तैयार है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर इस तरीके से भी ट्राई कर लीजिएगा, आपको 100% अच्छा लगेगा। थोड़ी सी अच्छी लगी आज की रेसिपी ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस घेवर के नाम। और ये देखिए हमारा घेवर बनके तैयार हो चुका है, और चेहरे से लग रहा है ना कि थकावट भी हो रही है, तो थोड़ा सा समय तो लगता है कोई भी काम करने में। अच्छा, एक घेवर तलने में ना कम से कम 10 मिनट लग जाता है, तो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिएगा। एक घेवर तलने में 10 मिनट लग जाता है, तो मतलब 4 घेवर तलने में 40 मिनट गया, इस तरह से हो जाते हैं। और यहाँ पे आ गए हैं शॉपिंग, तो अम्मा के लिए साड़ी ले रही हूँ ना, तो मैं थोड़ा सा ये वीडियो बना पाई थी, क्योंकि आजकल हर दुकान में वीडियो बनाना मना है।